नेशनल हेराल्ड केस मामले में आज फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ होगी। राहुल गांधी से पूछताछ का मंगलवार को दूसरा दिन है। इससे पहले सोमवार को ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। राहुल गांधी को आज फिर ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सोमवार को ईडी ने बैंक अकाउंट समेत कई चीज़ों पर राहुल गांधी से सवाल किए थे। ईडी ने राहुल गांधी से बीते दिन 2 बार पूछताछ की थी। बता दें कि राहुल गांधी सोमवार को करीब 11:10 पर APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद वो 2:30 पर ईडी के ऑफिस से बाहर निकले थे। इसके बाद 4 बजे फिर से राहुल गांधी से सवाल जवाब किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोपहर के भोजन के लिए ईडी कार्यालय से निकले थे। इसके बाद दोपहर पूछताछ के लिए राहुल गांधी 4 बजे के आसपास फिर से ईडी के ऑफिस पहुंचे। वहीं इसके बाद राहुल गांधी रात 10 बजे के आसपास ईडी के मुख्यालय से निकले। बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, नेशनल हेराल्ड कंपनी ने यंग इंडिया कंपनी का बकाया चुकाया है और कर्मचारियों का वेतन दिया है। हमने BJP सरकार की तरह भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचा नहीं है। राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह का फैसला किया था।